to see what is the process to download digital documents for driving license and registration certificate like RC book. A government का official website है digilocker.gov.in. इस पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ आपको अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप प्रोसेस फॉलो करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी आएगा और नेक्स्ट पेज पे आपको ए पेज दिखेगा, यहाँ आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, ये शायद आपका लास्ट स्टेप रहेगा। नेक्स्ट पेज आपको ये दिखेगा जो आधार से लिंक करता है, आप यहाँ एक्नॉलेज आधार नंबर डाल के एक्नॉलेज करते हो तो इट मीन्स आधार से आपका ये ईकेवाईसी फेच करेगा, इसे आप एक्नॉलेज कर रहे हो। सो ये करना है, आधार वेरिफिकेशन होने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं डाउनलोडिंग द डॉक्यूमेंट। यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स हम डिजीलॉकर में डाउनलोड करेंगे वो रजिस्टर प्रोवाइडर से ही डाउनलोड होगा, जैसे कि अभी मैं ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये रजिस्टर्ड आरसी आरटीओ से ही यहाँ आएगा। सो दिस साइट इज़ नॉट फेक और किधर और से कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, ये टोटली ओरिजिनल और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपका सेव हो जाएगा डिजीलॉकर में। और डिजीलॉकर आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले से और एप्पल के लिए ऐप स्टोर से आप डिजीलॉकर डाउनलोड कर सकते हो। और आरटीओ या कोई भी पुलिस को अगर कभी भी दिखाना पड़े आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी बुक तो आप डिजिटली शो कर सकते हो उनको। यार सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बट आप काफ़ी सारे दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए हम बाद में मैं इस पे बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का चेक करते हैं। ऑलरेडी मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए हैं तो आपको ये इशूड डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ एक है क्लिक पार्टनर सेक्शन पे जाना है और एक पार्टनर नेम मीन्स आरटीओ है या फिर गैस डिपार्टमेंट है या भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ आपको आपका पार्टनर ढूंढना है। अभी आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र, व्हीकल डिपार्टमेंट, यह आपको मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है और यह आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है, यह आरसी बुक के लिए है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। सो नेक्स्ट पेज में आपको ड्राइविंग लाइसेंस पे जो डिटेल्स है और कुछ डिटेल्स तो ऑलरेडी फेच हो गई, जैसे नाम और ये आपका डेट ऑफ बर्थ फेच हो गया, बट आपको सन ये आपको डालना है, ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे मिलेगा, ये सन ऑफ या वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ, अभी आपके पिताजी का नाम है ड्राइविंग लाइसेंस पे तो यह डालना है और यह ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है जो उसमें स्पेस नहीं, एग्जाम्पल यह दिया है आपको तो, और यह एक्नॉलेज करके गेट करना है। मेरा डेटा फेच हो रहा है, इसे थोड़ा टाइम लगा। सो दिस इज माय ड्राइविंग लाइसेंस जस्ट नाउ डाउनलोडेड। सो इस तरह से आप ये डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट अथॉरिटी को दिखा सकते हो, दैट्स इट। और आपको आपका फिजिकल कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे प्रिंटआउट भी ले सकते हो बट ज़रूरत नहीं है। आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आप ये डिजीलॉकर ऐप डाउनलोड करो और ऐप के थ्रू आप किसी को भी शो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।